बमरिम टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ प्लान इन्फेक्शन डिटेक्शन यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग कैसे हम इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए एक ये सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए हम किस तरह प्लान के जो इन्फेक्शन है उसको डिटेक्शन कर सकते हैं तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें सबसे तो पहले हम बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग की कहता है कि इमर प्रोसेसिंग ये एक एल्गोरिदम्स होता है जिसमें डिवेल्प करते हैं ताकि जो है प्लांट का इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट कर सकें उसको पहचान सकें और जो लीफ के एरिया के ऊपर कलर्स होते हैं उनकी बना पे जो डिज़ीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं क्योंकि अगर हम वैसे विजुअली करें तो उसके लिए हमें लेबर्स की भी ज़रूरत होगी और टाइम भी की ज़रूरत होगी लेकिन इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम जो है आसानी से जल्दी ही जो है प्लांट की डिजीज की आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके इन्फेक्शन को पता लगा सकते हैं इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इसमें एक के होता है और एक जी होता है के जो होता है ये एक अल्गोरिदम होता है जिसमें हम जो कलर सेगमेंटेशन है उसका पता करते हैं और जो जी है वो यूज़ होता है डिजीज़ क्लासिफिकेशन के लिए अब इसको जो के और जी क्या है इसको भी हम जो है इसके इमेज प्रोसेसिंग के जो स्टेप है उसमें वन बाय वन पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये यूज़ होता है हम किस तरह सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्लांट का इन्फेक्शन डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब हम इसके स्टेप देखते हैं जो फर्स्ट स्टेप है इसमें है इमेज इमेज इक्विशन में फर्स्ट स्टेप में हम ये करना होता है कि हमने जो लीव है उसको जो डिजीज लीव है या इन्फेक्शन डिजीज लीव है उसकी हमने मोबाइल को यूज़ करते हुए ये डिजिटल कैमरा को यूज़ करते हुए उसकी हमने जो तस्वीर को कैप्चर कर लेना है फिर उसकी जो वो तस्वीर है उसको जो है डेटाबेस में एक स्पेसिफाइड एक स्पेसिफाई पाथवे के ज़रिए उसको वहाँ पे स्टोर कर लेना होता है हमने जो हमारे पास डाटा होता है उसमें हमने इसको स्टोर कर देना है और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इमेज प्री प्रोसेसिंग इसमें प्रोसेसिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज हमने जो पिक्चर कैप्चर की है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है और जो अनसाउटेबल डिस्टोशन वगैरह हैं उनको रिमूव कर देना है क्लिपिंग द इमेज बेस ऑन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि जो पिक्चर है वो बेस होनी चाहिए इंटरेस्ट रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे इमेज स्मूथिंग एंड कंट्रैक्ट इन आर डन हेयर मेन मकसद ये है इस स्टेप का हमने जो हमने तस्वीर कैप्चर की है वो हमने उसके जो कंट्रा जो इसकी इन्हेंसमेंट करनी है या उसका कंट्रास्ट करना है और उसकी जो क्वालिटी है इसको जो है इम्प्रूव करना है ताकि जो हम इन, जो इन्फेक्शन है या कलर्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से देख सकें और उसके बाद जो थर्ड स्टेप करना है उसमें इमेज सेगमेंटेशन इमेज सेगमेंटेशन में क्या होता है ये मेथड होता है इसमें हम जो तस्वीर हमने जो तस्वीर कैप्चर की है उसको सब इमेज में डिवाइड करना होता है और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जब इमेज की सेगमेंटेशन करनी है तो उसके लिए हम के मीन्स जो एलगोरिद्म है उसको यूज़ करते हैं सेगमेंटेशन टेक्निक विच यूज एस्टिमेट मेथड फॉर डिवाइडिंग एंड क्लस्टरिंग द इमेज ये जो सेगमेंटेशन uh, टेक्निक है ये जो इमेज को डिवाइड करनी और उसकी क्लस्टरिंग ऑफ इमेज के लिए यूज़ होती है इसमें क्या होता है कि ग्रीन कलर जो है वो नॉर्मल कलर होता है लीव का इसलिए हम उसको यानी कि कंसिडर नहीं करते वी सेलेक्ट द क्लस्टर में शोइंग द इन्फेक्टेड फॉर फ्यूचर एक्सट्रैक्शन फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हम सिर्फ ग्रीन कलर के अलावा बाकी कलर को यूज़ करते हैं जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमने क्लस्टर्स ऑफ जो हैं कलर्स के इमेजेस में उनको कलेक्ट कर देख रख लेना है नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि ये इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इमेज फ्राम वेयर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड ये इमेज का वो हिस्सा होता है जहाँ से हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं द डिमेंशन ऑफ द रीजन ऑफ इंटरेस्ट विल बी सिमिलर दैन द ओरिजिनल इमेज कहते हैं कि जो डमेंशन है वो इंटरेस्ट की वो स्मॉलर होती है एज टू रीजनल इमेज से ग्रे लेवल को अक्रंस मैट्रिक्स जिसे जी कहते हैं ये सेकंड सॉफ्टवेयर जिससे हम जो डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं ये यूज़ होता है सेकंड ऑर्डर स्टेटिक्स मेथड फॉर एस्टिमेट द इमेज प्रॉपर्टीज जी एल सी एम कैलकुलेट द पिक्जल विद अ पार्टिकुलर इंटेनसिटी और ग्रे वैल्यू अकर इन द दज कहता है कि जो जी है वो कैलकुलेट करता है पिक्सल को और इंटेनसटी को और जो ग्रे कलर वैल्यू होती है इमेज के ऊपर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि लीव्स आर अफेक्टेड बाय डिजीज़ काज बाय फनजाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस कहता है कि जो लीव होता है वो बैक्टीरिया की वजह से वायरस की वजह से या फनजाई की वजह से इन्फेक्ट हो सकता है सम टाइम इसमें जो है वो इन जो इसका डैमेज है लीव के ऊपर वो किसी इंसेक्ट की वजह से भी हो सकता है विच अपेयर एज अ लीव स्पॉट डिजीज़ जो इन्फेक्ट पार्ट होता है ना लीव का वो वेरी करता है साइज़ में कलर में डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है इन्वॉल्व करता है स्टोव विल बी नोटस विद वेरियस कलर सच एज येलो ब्राउन टैन ब्लैक बेस्ड ऑन द टैक्स इंफॉर्मेशन फ्राम जी एल सी एम द डिजीज इज़ क्लासीफाई कहता है कि वी क्लासीफाई द डिजीज एज एंथरागो कहता है इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिजीज एंथ्राग्नोज सर्कोसपोरा लीव स्पोर्ट्स एंड बैक्टेरियल ब्लाइट सिंपली इसमें ये होता है कि हमने डिजीज़ को क्लासीफाई करना है होता है इस स्टेप ने उसकी जो कलर है उसका साइज है उसकी बेस पे और उसके स्पॉट की बिना पे जो नेक्स्ट है वो है रिजल्ट एनालिसिस कहता है कि इन्फेक्शन और रिडक्शन बेस्ड ऑन द केमीन्स कलेस्ट्रा एंड जीएल जो हमने दो सॉफ्टवेयर किए हैं उन दोनों के जो रिजल्ट आएंगे उसकी बेस पे हमने जो है इसको डिटेक्ट करना है सेगमेंटेशन मेज स्ट्रेक्चर हो गई एनालिसिस आर यूज फॉर क्लासिफाइंग द इन्फेक्शन और कहता है जो एनालिसिस हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होते हैं जैसे कि हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं एंथ्राग्नोसरकोसपोरा लीव स्पॉट एंड बैक्टीरिया ब्लाइट इसमें क्या होता है कि ये जो सिस्टम है इसकी वजह से जो हम है इन्फेक्शन या डिजीज़ की जो है आइडेंटिफिकेशन जो है 98.2 टू uh, सेवन परसेंट जो है एक्यूरेसी के साथ इसको डिटेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू के अब हम विजुअली जो है लेबर को यूज़ करके करें इसके बाद हम लास्ट में इसके बाद करते हैं कंक्लूजन की कहता दिस वर्क गिव्स एफिशिएंट एंड एक्यूरेट प्लांट डिजीज डिडेक्शन एंड क्लासिफिकेशन टेक्निक बाय यूजिंग द इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स के मीन्स एंड जी टेक्निक्स आर यूज फॉर द प्लांट लीव डिजीज़ डिडक्शन कहता है कि इस ये जो वर्क है इसके ज़रिए हम जो हाँ एक्यूरेटली जो प्लांट डिजीज़ इन्फेक्शन या उसकी क्लासीफाई कर सकते हैं ये जो केमिन और जी एल सी एम टेक्निक है ये यूज़ करते हैं हम उसको प्लान जो प्लांट की लीव डिज़ीज को डिडक्शन करने के लिए दिस ऑटोमेटिक सिस्टम रिड्यूस टाइम ऑफ रिडक्शन एंड लेबर कॉस्ट इसकी वजह से लेबर कॉस्ट और टाइम भी रिड्यूस हुआ है इट कैन हेल्प द फार्मर टू डायग्नोज़ द डिजीज एंड टेक रेमिडियल एक्शन अकॉर्डिंगली ये जो है आ, फार्मर की हेल्प करता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए इससे एंड इन फ्यूचर वर्क वी विल एक्सटेंड आवर डाटा बेस फॉर मीन लीव एक् कहता है कि जो हम फ्यूचर में इसके लिए जो लीव डिजीज आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए हम जो डाटा है जिसके जरिए बिना पे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको भी जो है इन्हेंस कर देंगे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें शुक्रिया